अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे तुरई की चटनी, बीराकाया पचड़ी। तो इसके लिए मैं ली तुरई को काट के ले ली, मैं 1.5 किलो तुरई है ये, 1 तुरई ली मैं। अब हम पैन को गरम कर लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गरम हो गया, मेथियाँ डाल देंगे, मेथी के बीन्च आधे स्पून से भी कम। फली डाल देंगे 2 स्पून। फ्लेम को मीडियम हीट पे रख लीजिए आप। अब हम चने की दाल डाल देंगे 1 स्पून। धनिया और जीरा डाल देंगे 1 स्पून। अच्छा मिला लेंगे इसको, मीडियम हीट पे रख के फ्राई कीजिए इसको, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें करियापक डाल देंगे, थोड़ा लहसुन डाल देंगे 10 से 12। रेडी हो गया ये, फ्लेम को ऑफ करके पूरा ये निकाल देंगे हम। मिक्सचर निकाल के मिक्सी में डाल देंगे, ये देखिए निकाल दी मैं उसी पैन में। और कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम, तेल गरम होने के बाद में हम हरी मिर्ची डाल देंगे, सौ ग्राम हरी मिर्ची है ये। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छा मिला लेंगे इसको। अब हम इसमें तुरई डाल देंगे जो हम काट के रख लिए थे। अब हम इसमें एक टमाटर काट के डाल देंगे मीडियम साइज़ का। अच्छे से तल लेंगे, बहुत मज़े की बनती है चटनी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी। अब हम इसमें थोड़ी सी इमली डाल देंगे, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो और थोड़ी आप ज़्यादा डाल लीजिए। मिर्च और इमली आप अपने हिसाब से डालिए। ढक्कन ढाप के पका लेंगे हम, तो थोड़ा तुरई गलती और तले भी जाती। अब हम इसमें कोथमीर और पुदीना डाल देंगे 1 मुट्ठी। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून से भी कम। नमक डाल देंगे 1.5 स्पून जितना, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये चटनी को आप खाने के साथ, जवारी की रोटी के साथ तो और भी अच्छी दिखती। अगर आप तुरई रोज़ जो तुरई बनाते हैं उससे बोर हो गए खा के, तो ये चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती चटनी है। और इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाले तो मज़े का दिखता है, क्यों बोलते तुरई मीठी रहती ना, इसलिए थोड़ी स्पाइसीज रहना ही। अच्छे से इसी तरह से मिलाते जाएंगे। फिर से इसके ऊपर ढक्कन ढाप के 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हो गया रेडी पीसने के लिए। अब इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अब जो हम पहले मसाला भून लिए थे फली, ये देखिए इस तरह से पीस के पहले
फली का मसाला पीस लेना हम। उसके बाद ये जो तुरई का हम तल लिए थे तुरई हरी मिर्ची को, वो ऐड कर देंगे। दो एक साथ डालने से चने की दाल और फली अच्छे से नहीं पीसी जाती, इसीलिए फली और चने की दाल को अलग से पीस लेना और तुरई को मोटा मोटा पीस लेना इस तरह से, पूरा बारीक चटनी के जैसा नहीं बनाना तो अच्छा रहता, दरदरा रहना, दरदरी रहना चटनी। अगर आप इसको ओखली में पीसे तो और भी मज़े की बनती। तो ये थी आज की रेसिपी, तुरई की चटनी। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।